नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2021 के फेज टू का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच 19 सितंबर को खेला जाना है और यह मुकाबला सबसे रोमांचक मुकाबला होगा आईपीएल 2021 का, क्योंकि आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने होने जा रही है। साथ ही एक तरफ जहाँ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी होंगे तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा होंगे, यानी कि यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है। लेकिन दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार इस मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी। हम कंपैरिजन करके बताएंगे कि कौन सी टीम इस समय मजबूत लग रही है। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो दोस्तों देखते रहे इस वीडियो को पूरा आखिर तक। और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और साथ ही साथ आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले को जीते तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। इसके अलावा दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में कौन सी टीम मारेगी बाजी, हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, फिलहाल देखा जाए यहाँ पर आईपीएल 2021 के परफॉर्मेंस की, तो मुंबई इंडियंस के ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहा पॉइंट टेबल में, क्योंकि इसमें चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे नंबर पर है तो वहीं पर मुंबई इंडियंस की टीम चौथे नंबर पर मौजूद है। लेकिन दोनों टीमें इस साल जब एक दूसरे के आमने सामने हुई थी तो वहाँ पर मुंबई इंडियंस का पलड़ा चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर भारी रहा था और एक शानदार जीत दर्ज की थी मुंबई इंडियंस ने कायरन पोलार्ड की धमाकेदार पारी की बदौलत। यानी कि दोस्तों, फिलहाल देखा जाए यहाँ पर तो चेन्नई और मुंबई के बीच जब भी मुकाबला हुआ तो मुंबई इंडियंस का पलड़ा चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर भारी रहा है। लेकिन यहाँ पर अब यूएई में ये सब कुछ बदल भी सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों टीमें पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतर रही है और आईपीएल के फेज टू में धमाकेदार वापसी के साथ मैदान पर उतरना चाहेगी दोनों टीमें। इसके लिए अपनी तैयारियां दोनों टीमें शुरू कर चुकी है। जहाँ तक बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो फुल स्क्वाड इस टीम के पास अवेलेबल है, यानी कि सभी खिलाड़ी इस टीम की तरफ से हमें मौजूद रहते हुए दिखेंगे। तो वहीं पर मुंबई इंडियंस के पास भी कई दमदार खिलाड़ी मौजूद है जो यहां पर मैच का पासा पलट सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, अब तक के परफॉर्मेंस की बात करें दोनों टीमों के खिलाड़ियों की, तो उनका परफॉर्मेंस भी शानदार रहा है। तो दोस्तों, हम बात करें सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप 5 बल्लेबाजों की जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है फेफ डु प्लेसिस का। प्लेसिस ने अब तक काफी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 7 मुकाबलों की 7 इनिंग में इन्होंने 320 रन बनाए हैं। इस दौरान इनका हाईएस्ट स्कोर 95 रन रहा, तो वहीं पर एवरेज इनका 64 का रहा है। वहीं पर दूसरे नंबर पर आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से मोइन अली, जिन्होंने 6 मुकाबलों की 6 इनिंग में 206 रन बनाए हैं। तो वहीं पर तीसरे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आता है। ऋतुराज गायकवाड़ ने 7 मुकाबलों की 7 इनिंग में 196 रन बनाए हैं। तो चौथे नंबर पर अंबाती रायडू मौजूद है, जिन्होंने अब तक 7 मुकाबलों की 5 इनिंग में 136 रन बनाए हैं। जबकि टीम की तरफ से पांचवें नंबर पर ऑलराउंडर रविंदर जडेजा मौजूद है, जिन्होंने 6 मुकाबलों की 5 इनिंग में 131 रन बनाए हैं। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के टॉप 5 बल्लेबाजों की बात करें इस समय, तो अंबाती रायडू, रविंदर जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली और फेफ डु प्लेसिस मौजूद हैं। वहीं पर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की, जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट अब तक सैम करन ने लिए हैं। 7 मुकाबलों की 7 इनिंग में इन्होंने 9 विकेट चटकाए हैं। जबकि दूसरे नंबर पर दीपक चहर है, जिन्होंने 7 मुकाबलों की 7 इनिंग में 8 विकेट लिए हैं। तीसरे नंबर पर रविंदर जडेजा मौजूद है, जिन्होंने 7 मुकाबलों की 7 इनिंग में 6 विकेट लिए हैं। चौथे नंबर पर मोइन अली है 5 विकेट के साथ, और पांचवें नंबर पर सरदार ठाकुर है 5 विकेट के साथ। यानी कि इस टीम के पास अच्छे खासे गेंदबाज भी मौजूद है। वहीं पर हम बात करते हैं अब यहां पर मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की, तो इस समय सबसे ऊपर राहुल चहर है मुंबई इंडियंस की तरफ से, जिन्होंने अब तक 11 विकेट लिए हैं। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो है ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने 8 विकेट लिए हैं। तो तीसरे खिलाड़ी के तौर पर जसप्रीत बुमराह 6 विकेट के साथ मौजूद है। तो वहीं पर चौथे गेंदबाज की तौर पर बात करें हम तो कुणाल पांड्या 3 विकेट, और पांचवें पर कायरन पोलार्ड 3 विकेट के साथ मौजूद हैं। यानी कि इस टीम के पास गेंदबाज भी अच्छे खासे चल रहे हैं। वहीं पर अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों की, जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 7 मुकाबलों की 7 इनिंग में 250 रन बनाए हैं। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव मौजूद है, जिन्होंने 7 मुकाबलों की 7 इनिंग में 173 रन बनाए हैं। नंबर 3 पर कायरन पोलार्ड मौजूद है, जिन्होंने 7 मुकाबलों की 7 इनिंग में 168 रन बनाए हैं। तो वहीं पर नंबर 4 पर क्यूटन डीकॉक मौजूद है, जिन्होंने 6 मुकाबलों की 6 इनिंग में 155 रन बनाए हैं। जबकि टीम की तरफ से नंबर 5 पर कुणाल पांड्या मौजूद है, जिन्होंने 7 मुकाबलों की 7 इनिंग में
100 रन बनाए हैं। यानी कि इस टीम के पास टॉप 5 बल्लेबाज भी अच्छे खासे मौजूद है जो अच्छी खासे रन बना रहे हैं। वहीं पर चले दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिरकार दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर रही है इस आईपीएल 2021 के फेज 2 के पहले मुकाबले में। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी की बात करें हम तो ऋतुराज गायकवाड़ और उनके साथ बेब डू प्लेसिस उतरने वाले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छी फॉर्म दिखाई है तो वहीं पर बेब डू प्लेसिस तो फिलहाल भी काफी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सीपीएल में इन्होंने हाल ही में शानदार शतक जमाया तो उम्मीद है कि ये अपनी फॉर्म बरकरार रखेंगे। तो वहीं पर टीम की तरफ से नंबर 3 पर मोइन अली उतरने वाले हैं तो नंबर 4 पर उतरेंगे सुरेश रैना। मोइन अली और सुरेश रैना के ऊपर ये टीम काफी कुछ डिपेंड करेगी। तो वहीं पर दोस्तों, टीम की तरफ से नंबर 5 पर उतरने वाले हैं अंबाती रायडू। अंबाती रायडू टीम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। अंबाती रायडू ने पिछली बार भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ काफी शानदार परफॉर्मेंस किया था। तो वहीं पर टीम की तरफ से नंबर 6 पर उतरने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिनको इस बार बल्ले से कमाल करके दिखाना होगा और उम्मीद है कि ये भी अपना बल्ले से रन बनाते हुए नजर आएंगे हमें। तो वहीं पर इसके बाद टीम की तरफ से नंबर 7 पर उतरने वाले हैं रविंद्र जडेजा, जो कि काफी शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं अब तक। तो वहीं पर टीम की तरफ से नंबर 8 पर डीजे ब्रावो या फिर सेम करन में से कोई एक हमें खेलता हुआ नजर आएगा। डीजे ब्रावो इस समय काफी शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं तो वहीं पर सेम करन बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं टीम के लिए। इसके बाद दोस्तों, बात करें नंबर 9 की तो यहाँ पर हमें दीपक चहर खेलते हुए नजर आएंगे। दीपक का परफॉर्मेंस भी काफी शानदार रहा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो वहीं पर नंबर 10 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे इमरान ताहिर, जो कि काफी शानदार गेंदबाजी करते हैं। तो वहीं पर टीम की तरफ से नंबर 11 पर हमें खेलते हुए देखेंगे शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर भी काफी शानदार गेंदबाजी करते हैं। हालांकि टीम के पास लुंगी निकिडी के रूप में एक बेहतरीन तेज गेंदबाजी का ऑप्शन मौजूद होगा, जो कि यहां पर इमरान ताहिर की जगह पर टीम इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन पहले मुकाबले में यहां पर हमें इमरान ताहिर ही खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर चले दोस्तों, अब हम जानते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग जोड़ी के तौर पर रोहित शर्मा और क्यूटन डिकॉक हमें खेलते हुए नजर आएंगे। दोनों ने अब तक टीम को काफी शानदार शुरुआत दी है। हिटमैन रोहित शर्मा टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज साबित हो सकते हैं क्योंकि अब तक इन्होंने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो वहीं पर टीम की तरफ से नंबर 3 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव इस टीम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज है जो लगातार रन बनाते हुए आ रहे हैं। तो टीम की तरफ से नंबर 4 पर ईशान किशन हमें खेलते हुए नजर आएंगे। ईशान किशन इस टीम के एक ऐसे आक्रामक बल्लेबाज है जो किसी भी समय रन गति को बढ़ा सकते हैं। तो वहीं पर नंबर 5 पर टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर उतरने वाले हैं कायरन पोलार्ड, जिन्होंने पिछली बार चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ से जीत छीन ली थी। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 6 पर उतरने वाले हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भी काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं और साथ ही साथ गेंदबाजी में भी कमाल कर सकते हैं इस बार। तो वहीं पर टीम की तरफ से नंबर 7 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे कुणाल पांड्या, यानी कि टीम के पास 3 बेहतरीन ऑलराउंडर मौजूद हैं। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद हम बात करें नंबर 8 की तो यहाँ पर राहुल चहर हमें खेलते हुए दिखेंगे। तो नंबर 9 पर दिखेंगे जसप्रीत बुमराह। नंबर 10 पर ट्रेंट बोल्ट दिखेंगे। तो नंबर 11 पर हमें दिखने वाले हैं नेथन कुल्टर नाइल, यानी कि टीम के पास बेहतरीन तेज गेंदबाजी ऑप्शन भी मौजूद रहेंगे तो साथ ही साथ बेहतरीन बल्लेबाजी ऑप्शन भी मौजूद है इस टीम के पास। हालांकि जिमी निसम के रूप में एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी मौजूद रहेगा, जिन्हें भी यहां पर टीम में मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, दोनों टीमों देखने के बाद आपको कौन सी टीम मजबूत लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।